हाय गाइस, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी मेरी वो ये थी, यानी कि शुगर कैन का जूस कैसे बनता है, इसके हवाले से थी। जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो पर जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। सो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको पता है कि ईंटें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक, आप कह सकते हैं कि ईंटें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ईंटों से मकान बनते हैं। अगर मकान नहीं बनेंगे तो आप कहाँ रहेंगे, इसलिए जो है ईंटें जो हैं वो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको पता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईंटें जो हैं वो बहुत इस्तेमाल होती हैं, और लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ बनाने के लिए भी इंसान को जो है वो ईंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कईयों को ये नहीं पता होता कि जो ईंटें वो इस्तेमाल करते हैं वो ईंटें कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं, पहले उनकी कंडीशन क्या होती है, बाद में उनकी कंडीशन क्या होती है। सो गाइस, जो आज की वीडियो है वो ईंटों के हवाले से है। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक भट्ठे पर जहाँ पर ईंटें बनती हैं, लेकिन उससे पहले जाएंगे एक मज़दूर के पास जो कि ईंटों को पहले बनाता है। ठीक है, और बाद में हम जाकर उनसे पूछेंगे कि वो कितनी दिहाड़ी लेते हैं, एक दिन में वो कितनी ईंटें बनाते हैं, और बाद में ईंटें वहाँ से कहाँ जाती हैं और फिर क्या होता है। ये जो सारा प्रोसीजर होगा आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाँ जी अंकल जी, सुनाओ की हाल चाल है, ठीक हो? ऐटा तो सारी हूं बनाई सारिया जनिया सारी सुबह दी पंजवीं छेवीं है। सुबह किन्ने बजे आए हो अंकल जी? छे बजे ना। रोज की किन्नी गट्ट बना लेंगे? रंग जी उच्ची बोलो, किन्नी बना लेंगे? 1200 इट कच्ची बना छे। शामी वापसी किन्ने बजे करते हो? शामी 6 बजे। अच्छा अंकल जी, इटा कच्चिया बना के बाद इतों भट्ठा किन्नी क दूर है? तो इटा फिर कच्चिया खड़े कि रेहरिया? अच्छा सही हो गया। तो कच्ची इट जी होंगी अंकल जी, ये किन्ने दिन सही यानी कि धुप लग पक जाती है? थले मोड़ लगी होंगी इट जी लगी है वाली, लगा मोड़ लगी होंगी बाजार च मिल जांदा लकड़ी वाले बनाते होंगे? मतलब आ गया भी जरा होता लकड़ा लुकड़ा जो कट रहे ने। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने देंगे लोहे, लोहे के कट के बना देने, फिर वो जान के कर देने।
अच्छा सही है। ते मिट्टी नु पहला तुसी एक दिन पहले भिओ छड़ दो या अज आयो तो अज मिट्टी तो हां विच पानी छानी पाना बाद फिर ईटा बनानियां ने या पानी पहला बंद मिट्टी विच एक बारी ते हिसाब ना पहला कुटनी पानी फिर दोबारा उडो वढनी पानी। अच्छा वढ के दोबारा फिर सीधे वढी कर फिर शुरू कर। अच्छा यानी कि एक दिन पहला नु मिट्टी तैयार होनी चाहिए थी बाद ईटा बनदियां ने शाम फिर बनाई दी शाम नु फिर बनाई दी ठीक हो फिर सुबह नु वढ कर फिर लगी। चंगा जी ते किन्नी क तन लब जिन दिहाड़ी वगैरह 1000 रुपए देने 1000 रुपए देरी देंदे पे ने ठीक ते ओ चलो अपनी हिम्मत दी गल है जिन्नी मर्जी पा ओ उना वाले किन्नी हिट होएगी तानू फिर 1000 1200 मिलेगा 1000 देंदे 1000 नु 1000 देंदे ने ते वद होए तुही वद मिलेगे तानू पैसे ओ ते वद होए ते अपना ही फायदा जिन्नी मर्जी पा ले 1200 1300 दी है। अच्छा अच्छा यानी कि जिन्नी हिट होएगी उन्ने तानू पैसे मिलणगे ओसा मतलब 1000 2000 1 रुपए दी हिट पै गई फिर सही हो गए 1000 रुपए 1000 देंदे 1000 नु 1000 अंगद जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाइस ये चेक करें ये माशाल्लाह ये अंकल जो है हमारे उन्होंने ये सारी आज ना ईंटें बनाई हैं अभी कच्ची हैं ठीक है। उन्होंने बताया कि अभी ये 3 दिन लगेंगे इसको सूखने में और बाद में ये लेके जाएंगे भट्टों में भट्टे में ठीक है और बाद में वहाँ पर जाके ईंटें जो बाकायदा पकती हैं ठीक है। तो अभी आपको हम भट्टे में भी ले कर जाएँगे लेकिन हम अगर वहाँ पर मिलता कोई हमें बताने वाला तो हम ज़रूर उनसे बात भी करेंगे ठीक है। ये ईंटें हैं यहाँ से बाकायदा बाद में जाती हैं ट्रालियों में बट्टों तक वहाँ पर जा पकती हैं ईंटें ये आप चेक करें। लेकिन अब कितनी खूबसूरती से अंकल बना भी रहे हैं ठीक है बाद में कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये देखें डिज़ाइन से कितनी खूबसूरती लगाई हुई हैं आप खुद चेक करें। गाइस ये है जी जो भट्टा है जिसे हम कहते हैं ठीक है जो जब कच्ची ईंटें बन जाती हैं अभी देखें ये कुछ जो गधा गाड़ी पर जाए वो कुछ अभी कच्ची ईंटें आई हुई हैं कच्ची ईंटें आप अगर देखें गौर से तो ये बिल्कुल कच्ची हैं देखें आप। तो एक ये भी है ठीक है तो अब ये कच्ची ईंटें आ गई हैं अब इसने जो क्या होंगे जो मज़दूर आदमी होगा वो इन कच्ची ईंटों को इस भट्टे में डालेंगे ठीक है। अगर कोई मिलता है हमें वहाँ यहाँ पर मजदूर था हम उनसे पूछते भी हैं कि कैसे करते हैं वो ये देखें अभी ये देखें कच्ची ईंटें रखी हुई हैं उन्होंने ठीक है ये पक रही हैं आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ये इसके ज़रिए ईंटें अंदर रखी जाती हैं और बाद में फिर नीचे कोयले रखे जाते हैं और कोयले के जो धुआं है वो देखें ऊपर से वो निकल रहा है ये चेक करें ठीक है। ऐसे जो है वह ईंटें कच्ची से पक्की बनती हैं देखिए यहाँ पर बनी पड़ी भी हुई हैं कुछ ये देखिए ये ईंटें पक चुकी हैं अभी देखें अब तो अभी आपने कच्ची देखी थी लेकिन ये ईंटें देखें बिल्कुल सही तरह पक चुकी हैं। देखें यार एक मजदूर मजदूरी करता है कच्ची ईंटों को पक्की बनाता है तब जाकर हमारे जो हाउस हैं जो हमारे घर हैं वो मकान हैं वो कोठियां बनती हैं ठीक है। तो हमारे घरों के पीछे भी हाथ एक मजदूर के होता है ठीक है हमें मजदूर की इज्जत करनी चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए ठीक है। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि आपको मैं जो मज़ीद वीडियोज़ इस तरह के होंगे इंटरेस्टिंग ठीक है तो वो हम आपको गाहे बगाहे दिखाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।